वेलकम टू एकेएस लर्निंग। आज आम क्लास एट मैथ्र चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स तो आपको आज आम पढ़ा। तो स्टार्टिंग आम पढ़ा जो प्लेन सरफेस क्या कह जाए। आम साधारण जो नोटबुक आम जो लिखुचे ताकि एक प्रकार प्लेन सरफेस अटे। ओके तापर देखिए आम लाइन विषय जानवा। जितने आम बहुत सारा बिंदु को जोड़ू जदि ता एक सरल रेखा आकार आसे ताको आमे लाइन बोली कही पारिबा। कर्व का कहवा ए प्रकार जदि किछि फिगर अछि ओके ताको आमे कर्व बोली कहिबा। क्लोज्ड कर्व का कहवा क्लोज्ड कर्व ओके तो क्लोज्ड कर्व का कहवा ना से आमर लाइन हो अर्थात लाइन द्वारा जदि किछि एक बाउंडरी थी एक जदि फिगर को आम जब ड्र करवा से ए फिगर हो पारे किंबा ए प्रकार एक सर्किल भी हो पारे किंबा ए प्रकार भी हो पारे। ओके तो ए फिगर हो किंबा ए फिगर हो किंबा ए फिगर हो ओके एटा सर्किल अटे तो जेको प्रकार फिगर है आपको आम क्लोज्ड कर्व बोली कही पारिबा। कौन कही पारिबा क्लोज्ड कर्व बोली कही पारिबा। ओके सिंपल क्लो ए जो कर्व जो आम पढ़ले क्लोज्ड कर्व ओके तो ये प्रकार फिगर को आम क्लोज्ड कर्व ता सहित सिंपल क्लोज्ड कर्व कहीपर सिंपल क्लोज्ड कर्व बोली आम कहीपर। अच्छा सपोज ये प्रकार एक फिगर अच्छी ओके तो आपको आम क्लोज्ड कर्व कह कि डेफिनेटली कहवा। आपको आम सिंपल क्लोज्ड कर्व कह कि सिंपल क्लोज्ड कर्व आपको कहवा ना ये हूँ नॉर्मली क्लोज्ड कर्व किंतु सिंपल क्लोज्ड कर्व आसब ना। ओके देखो एटे एक प्रश्न पचराई ए स्तंभ और बी स्तंभ दिखाई ए स्तंभ किसी फिगर दिखाई तार किसी ऑप्शन एटार दिखाई तो आ भर सठिक आम चूज करवा। देख य फिगर टू देख ए फिगरटा गोटे सिंपल क्लोज्ड कर्व हम कि हेनी ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ये हूँ गोटे प्रकार क्लोज कर्व यहाँ भी तो कहीं हेनी कारण आम आगे पढ़ीचे क्लोज्ड कर्वर अर्थ हो जहाँ किसी निर्दिष्ट बाउंड्री थी। ओके किंतु ये फिगर कौन निर्दिष्ट बाउंड्री आसी ए प्रकार जो फिगर अच्छी ओके तो आर कौन निर्दिष्ट मिली किसी बाउंड्री अच्छी देख एपट सैड खोला ही जाता बी ऑप्शन भी हम ना सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड गोटे सिंपल कर्व अच्छे जोटा कि क्लोज नुह तो यहाँ हो पार। ओके तो एक सी हम एटा देखु यहाँ हम आर आंसर आसो डी आस नॉट ए सिंपल कर्व ये गोटे प्रकार कर्व किंतु सिंपल कर्व नुह। ओके जदि इमी केवल राउंड आई था तो आम सिंपल कर्व बोली कही पारे किंतु जेहेतु चारि भाया ही जाइए तेना आपको सिंपल कर्व कहवा ना यह कौन हम यह हम सिंपल कर्व आर आंसर आसो ऑप्शन ए बाकी जहाँ रहा ताइटा हम। ओके ये हूँ एक प्रकार क्लोज्ड कर्व जोटा कि सिंपल नुह आर आंसर आसो बी। ओके एक आसला कौन सी आर आसला डी आर आसला ए आर आसला बी तो यह प्रकार आंसर हम यहाँ देखिए पॉलीगन का कहवा। पॉलीगन हूँ गोटे प्रकार सिंपल क्लोज्ड कर्व ओके जहाँ केवल लाइन सेगमेंट ही थी लाइन सेगमेंट अर्थ हूँ केवल किसी सीधा सड़क लाइन द्वारा जो फिगर ड्र कराई ओके तो ताको आम पॉलीगन बोली कही पारिया। तो पॉलीगन हूँ गोटे प्रकार सिंपल क्लोज्ड कर्व ही अटे किंतु लाइन सेगमेंट द्वारा तैयारी थी। जदि मुझे सर्किल ड्र करी तो आपको केवल पॉलीगन कह हम ना कहीं यह लाइन सेगमेंट द्वारा क्लोज्ड कर्व हुई यह नॉर्मली कर्व थ्रो रे क्लोज्ड फिगर होती तेणु कहना। ओके तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट द्वारा जो क्लोज कर्व तैयारी थे ताको पॉलीगन कहुए। एटा देख किसी देखिए ए गुड़िक हूँ पॉलीगन ए गुड़िक पॉलीगन नुह तो फिगर गुड़क आम मन रखा तो ये गोटे हो पार पॉलीगन ये भी हो पार कि ए प्रकार फिगर पॉलीगन हम ना देख तो फिगर गुड़ को मार्क कर थे देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पॉलीगन को आम कौ भाग में विभक्त कर
तो भिन्न भिन्न प्रकार पॉलीगन रो साइड को बेस करिबा से मानकर बाहु को आ से मानकर शीर्ष बिंदु को बेस करिकरी देखो कोन कराई छी ना किछि पॉलीगन अछन जो माने कि ट्रायंगल आकार अछन अर्थात किछि ट्रायंगल को हमें पॉलीगन भी कहि परबा शांत ट्रायंगल रो साइड किबा वर्टेक्स साइड वर्टेक्स अर्थ कोन देखि दियो ए हाउछि गोटे ट्रायंगल जहार केतोटी वर्टेक्स अछि तीनोटी वर्टेक्स अछि वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी तो मुख्यतः रूपे वर्टेक्स का कहा जाए एगुड़ कहा जाए यह हूँ गोटे वर्टेक्स यह हूँ आउ गोटे वर्टेक्स यह हूँ आउ गोटे वर्टेक्स तो युड़ वर्टेक्स कहा जाए एवं साइड का हम यहाँ हूँ गोटे साइड यहाँ हूँ गोटे साइड और यहाँ हूँ आउ गोटे साइड तो युड़ साइड बोली कहा जाए तो गोटे ट्राएंगल कतो वर्टेक्स कत साइड थाए सात तीनो तार फिगर दे गोटे क्वाड्रिलेटरल जहाँ को चतुर्भुज बोली कहा जाए आर साइड क्षेत्र थाए आ वर्टेक्स क्षेत्र थाए ना चारोटी देखो तार फिगर कौन दे प्रकार ओके यहाँ हूँ क्वाड्रिलेटरल जार चार्टा बाहू थी चार्टा बाहू और चार्टा शीर्षबिंदु थी आम क्वाड्रिलेटरल कह पेंटागन जार पांचटा साइड आ वर्टेक्स थी पेंटागन को हम तो पेंटागन फिगर हूँ यहाँ देखो इसे कत साइड अच्छी गोटे जोड़े तीनटा चार्टा एंड पांचटा ता सहित पांचटा वर्टेक्स भी अच्छी गोटे जोड़े तीनटा चार्टा एंड पांचटा या पर देखिए हेक्सागन जार छा साइड आ छा वर्टेक्स थी देख वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ता सहित छा वर्टेक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके तर आसा हेप्टागन जार सतटा साइड एंड वर्टेक्स थी एक दुई तीन चार पाँच छः सात ता सहित सतटा वर्टेक्स अच्छी साइड सहित वर्टेक्स भी अच्छे ऑक्टागन जार आठटा थी ओके देख आठटी एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ ता सहित आठटी वर्टेक्स अच्छे ननागन जार नौटी साइड एंड वर्टेक्स थी देख एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो नौटी अच्छी ता सहित डेकागन अर्थ दसटी दस्टी हो ना एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एंड दस ओके तो से हिसाब से एन नंबर गन बाहर करें जहाँ साइड संख्या वर्टेक्स संख्या एन थी ओके वे देखिए आम डायगोनल बोले कौन देखो मुझे गोटे क्वाड्रिलेटरल ड्र कर चतुर्भुज गोटे ड्र कर सपोज यह एक चतुर्भुज बा क्वाड्रिलेटरल अटे आर यो पखापाखि जेको दुईट साइड को पखापाखि दुईट साइड तो आ सहित ये हो ओके तो ये गुड़क आम ए दुटा बाहू को आम आडजसेंट साइड बोली कौन कहीपर आडजसेंट साइड बोलीपर बा कंजुकेटिव साइड कहीपर आडजसेंट साइड बा कंजुकेटिव साइड कहीपर तो ए बी कंजुकेटिव किए आसब देख ए बी सी डी तो यार ए बी कंजुकेटिव किए आसो बी सी हो पार और ए डी हो पारे कहीं ए बी को बी सी बाहू भी लगी ए सी ए डी बाहू मत लगी नहीं कि तो बी सी हो पार आडीपर कितु ए बी कंजुकेटिव के सी डी हम कि अर्थात ए बी के सी डी हम कि कंजुकेटिव बा आडजसेंट साइड हम कि हम ना ओके तो से हिसाब से जब डायगोनल कथा चिंता करवा से हिसाब से देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कतोटी डायगोनल अच्छे सरी वर्टेक्स कथा चिंता करवा कतोटी वर्टेक्स अच्छी ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स एंड डी वर्टेक्स तो ए वर्टेक्स आडजसेंट वर्टेक्स बा कंजुकेटिव वर्टेक्स किए आसो ना आ पाखापाखि किए अच्छे ना डी अच्छे और बी अच्छी तो ए कंजुकेटिव वर्टेक्स आसो बी एंड डी आसो ठीक से प्रकार सी कंजुकेटिव वर्टेक्स किए आसो बी आसो और डी आसो डी कंजुकेटिव किए आस ए आसो सी आसो ओके तो से हिसाब से देख बी कंजुकेटिव किए आसो ए आसो सी आसो कि बी कंजुकेटिव के डी आसो ना से हिसाब से ए कंजुकेटिव के सी हम ना ओके तो ये डायगोनल कथ कौन बुझा ना गोटे पॉलीगन थी से पॉलीगनटा हूँ तो गोटे ट्रायंगल हो पारे सरी ट्रायंगल हो पारे कि गोटे क्वाड्रिलेटरल हो पारे कि पेंटागन हो पारे कि हेक्सागन हो पारे तो जो भी किसी फिगर हो पारे से दीटा वर्टेक्स जो दीटा वर्टेक्स की कंजुकेटिव हो नए ओके पखापाखि हो नए तो जदि मुझे ये फिगर कथा कहि एठार देख एस हूँ गोटे वर्टेक्स
आर कंजुगेटिव हो ना भर्टेक्स आउ किए आसो ओब्वियसली क्यू आसो तो से दुटा पॉइंट को गोटे लाइन जदि आम ड्र करा से दुटा पॉइंट को देखिए गोटे लाइन ड्र करा तो जो फिगर टी आसे कहुए डायगोनल बोली कहुए से सर पी आर भी गोटे डायगोनल तो देखो एठार जो रेक्टांगल रेक्टांगल जो फिगर दिखाई ये रेक्टांगल फिगर में कतोटी डायगोनल संभव ना केवल दुईट डायगोनल संभव यह हूँ पेंटागन अटे यह कौन अटे ना पेंटागन अटे ओके जेहे तार पांचटी साइड अच्छी आर देख कतोटी डायगोनल अच्छी जदि ई रई कथ कह ई करेस्पंडिंग हो ना वर्टेक्स के आस डी आउ ए तो आसो ना आसव तो बी आउ सी आसो तो ये दुईटी ड्र कराला तो ये दुटा है डायगोनल जो डी पॉइंट कथा कह दुटा हे दु दु चार सी तापर आसला आर रहा कौन जो ए कथा कह रो तो अलरेडी ए सैडटा ही जाइए कि सैडटा अच्छी यहाँ गोटे तो कतोटी है देख गोटे जोड़े तीन टा चार पांचटा तो कतोटी आसला टोटाल पांचटी डायगोनल आसला पेंटागन रे हूँ भी गोटे प्रकार क्वाड्रिलेटरल अटे ओके ये भी गोटे प्रकार क्वाड्रिलेटरल ही अटे कौ प्रकार ड्र कर ए प्रकार तो ये प्रकार एक फिगर अच्छी देखो यहाँ चार्टा साइड अच्छे ना एक दुई तीन एंड चार तो चार्ट साइड अच्छी तेनाली आपको क्वाड्रिलेटरल कह कि यहाँ कौ प्रकार क्वाड्रिलेटरल ना कनकेव क्वाड्रिलेटरल कह जाए नर्माली आम प्रकार जो क्वाड्रिलेटरल को कनभेक्स क्वाड्रिलेटरल बोली कह जाए आपको कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोली कह जाए ओके तो आर मध्य ए पॉइंट रो कंजुगेटिव एडजसेंट किए हेनी हम तो ये हेनी तो ये ड्र कर तो ये भी गोटे डायगोनल ये भी गोटे डायगोनल तो से हिसाब से ए फिगर यहाँ गोटे डायगोनल ये भी गोटे डायगोनल तो हमें डायगोनल अर्थ कौन बराबर बुझीपार्थिबा एबे बर्तमान देखिबा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एठा देखो गोटे क्लोज्ड फिगर अच्छी क्लोज्ड फिगर इंटरनल साइड अर्थात भितरी साइड को इंटीरियर बोली कह जाए भितरी साइड छाड़ी जो बाहर साइड रहा कहूँ एक्सटीरियर ओके तो बर्तमान आम जो घरे रोचे घर भितर है इंटीरियर घर बाहर है एक्सटीरियर ओके तो निहत रूप इंटीरियर जी थी तो तार किसी स्पेशल बाउंड्री थी जमी एठार देख ये फिगर किसी बाउंड्री अच्छे ना देख ए प्रकार किसी सर्किल अच्छे किसी सिंबल अच्छी कि बाउंड्री अच्छी एठा देख जो एक्सटीरियर कथ कौन एम कौन बाउंड्री आसे ना तो आम पॉलीगन बुझिले डायगोनल भी बुझिले इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मत बुझिले एवं देखा पॉलीगन केते प्रकार और सेगुड़ी कौन कौन मुख्यतः तो पॉलीगन हूँ दु प्रकार गोटे कनभेक्स पॉलीगन और हूँ कनकेव पॉलीगन ये फिगर गुड़िक हूँ कनभेक्स पॉलीगन एगुड़िक हूँ कनकेव पॉलीगन ओके ये हूँ कनभेक्स यहाँ हूँ कनकेव ओके यहाँ केव वाला यहाँ हूँ भेक्स वाला तो फिगर गुड़ को टी भल भाव में रिमाइंड करवा देखो तो ये प्रकार ट्रापिजियम ए प्रकार जो ऑक्टागन अच्छी ओके ये प्रकार ये सब हूँ गोटे गोटे कनभेक्स पॉलीगन कि जगह हूँ गोटे गोटे कनकेव पॉलीगन मुझे ये कही क्वाड्रिलेटरल दी प्रकार अच्छी गोटे कनकेव अच्छी आ गए कनभेक्स अच्छी ओके तो ये जो फिगर टी ये हूँ गोटे प्रकार कनकेव पॉलीगन कनकेव क्वाड्रिलेटरल अटे एगुड़िक हूँ कनभेक्स नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल अटे बर्तमान देखा जो कन अच्छा ये चैप्टर आम जो पॉलीगन विषय पढ़ा ता केवल आम कनभेक्स पॉलीगन विषय पढ़ा कनकेव पॉलीगन विषय पढ़ा ना जो कनभेक्स पॉलीगन आसला ता पुनर्बार आ दु प्रकार कौन कौन गोटे रेगुलर आउ गोटे इरेगुलर जमीती कि देख रेगुलर पॉलीगन आम क्या कह ना जो पॉलीगन ओके जो पॉलीगन इक्व एंगुलर हो इक्व लेटरल होर्थात गोटे पॉलीगन सपोज अच्छी जार ना अटे क्वाड्रिलेटरल से क्वाड्रिलेटरल कौन अच्छे ना इक्व एंगुलर अच्छी इक्व एंगुलर अर्थ हो सबुजाक कोणर बा सबुजाक एंगेल वैल्यू सामान थी ओके सपोज यहाँ 90 डिग्री यह भी 90 यह भी 90 यह भी 90 तो सबुजाक एंगेल सामान रहा से हिसाब से इक्विलेटरल हम इक्विलेटरल अर्थ हो सबुजाक साइड भी सामान ओके अर्थात ये साइड दैर्घ्य जहाँ सपोज 4 सेमी यहाँ भी 4 सेमी यहाँ भी 4 सेमी यहाँ भी 4 सेमी
तो सब जगार साइड भी सामान है सब जगह एंगेल भी सामान है तो दुईटा जगह जब कंडीशन फुलफिल करें रेगुलर पॉलीगन कह जे फुलफिल कर अर्थात दुईटा कंडीशन जब गोटे भी कंडीशन कर आउ गोटे कंडीशन जब कर तो आम रेगुलर पॉलीगन कहना ना यहाँ देख ये फिगर देव यहाँ हूँ गोटे प्रकार इक्विलेटरल ट्रायंगल अटे जार तीन जा बाहर दैर्घ्य सामान तीन जा कोण दैर्घ्य सामान तेनाली ये गोटे प्रकार कौन अटे रेगुलर पॉलीगन अटे ये देख ये गोटे प्रकार स्क्वायर अटे जार चार बाहु दैर्घ्य सामान चार जा कोण 90 डिग्री लेखाए तो ये भी गोटे रेगुलर पॉलीगन आसो ये हूँ गोटे राइट एंगल ट्रायंगल अटे ये कौन 90 डिग्री ये दुई तीन जाक बाहु दैर्घ्य सामान ना तेणु आपको आम रेगुलर पॉलीगन कहना ना इरेगुलर पॉलीगन कह ये हूँ एक प्रकार रेक्टांगल अटे जार अपोजिट साइड से अर्थात आ सहित ये सामान एवं आ सहित ये सामान ओके जदिओ रेक्टांगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो पारती अर्थात प्रत्येक 90 डिग्री अर्थ हूँ ये इक्व एंगुलर है किंतु इक्व लेटरल है ना बुझिपार्त ये मैंने मुझे फिगर कथा कह गोटे इक्व एंगुलर है ओके इक्व एंगुलर रे पास होगा किंतु इक्व लेटरल हो पारा ना इक्विलेटरल हो पारा ना तेणु आपको आम रेगुलर पॉलीगन बोली कहना ना तो युड़क हूँ रेगुलर पॉलीगन देखो यार सब जगह कोण दैर्घ्य सामान कोणर सामान आ साइड्र दैर्घ्य मत सामान तो ठीक से प्रकार आर मत सामान आसो कि देख आर आसो कि आसो ना कहीं आर दैर्घ्य जहाँ आर दैर्घ्य ना से हिसाब से आर एंगेल 90-90 अच्छी कि 90-90 आसो कि आसोन से प्रकार ये फिगर को मुझे रेगुलर पॉलीगन कहना ना अच्छा इज दर ए ट्राइंगल दैट इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर सेमती कौन से ट्राइंगल अच्छे कि ओके जहाँकि इमती कौन से ट्राइंगल अच्छे जहाँकि इक्विलेटरल अर्थ सब जगह साइड सामान थी बुझे अच्छी इक्विलेटरल ट्राइंगल बोली कहुए जहाँ को ओडिया समबाहु त्रिभुज कहुच जार प्रत्येक बाहु दैर्घ्य सामान किंतु से इक्विएंगुलर ही नर्थात तार प्रत्येक कोण सामान ही नमी कौन से प्रकार ट्राइंगल अच्छे कि आंसर आस नो इमें कौन सी प्रकार ट्राइंगल ना देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी जो पॉलीगन गुड़िकर जो इंटरियर एंगल अच्छा से मानकर समष्टि के विषय में देखा जदि आम गोटे ट्राइंगल कथा चिंता करवा से ट्राइंगल जो प्रकार होना कहीं सरी से ट्राइंगल जो प्रकार ए प्रकार हो कि ऑब्टस एंगल हो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो ओके जो भी फिगर ट्राइंगल हेले से मानकर तीनोटी कोणर समष्टि के 180 डिग्री आसे ओके से हिसाब से गोटे क्वाड्रिलेटरल नवा सपोज यह हूँ गोटे क्वाड्रिलेटरल तार गोटे डायगोनल ड्र करा डायगोनल ड्र कला क्वाड्रिलेटरल केतोटी ट्राइंगल डिवाइड है दुईट ये पोर्सन है वन ओके वन एवं ये पोर्सन है पोर्सन टू अच्छा जब यहीटा जो गोटे ट्राएंगेल हम तो आर तीन आ भितर जो तीन टाइंगेल अच्छे गोटे जोड़े तीन टा ये तीन टा मिसी के 180 से हिसाब से एंगेल ए एंगेल ए एंगेल ये मिसी मत 180 तो टोटाल के 360 डिग्री तो गोटे क्वाड्रिलेटरल एंगेल सम के आस 360 डिग्री आसो जार फिगर एटा देख देख मुझे कौन कर गोटे क्वाड्रिलेटरल नाला तार गोटे डायगोनल ड्र कला ओके एठारे जो गोटे ट्राएंगेल रहा से ट्राएंगेल तीन एंगेल समस्त हो 180 एपट मत ट्राएंगेल तीन टा एंगेल समस्त हो 180 180 360 ओके बर्तन आसीगला आमर एक्सरसाइज ओके तो मोर विश्वास अच्छी तुम्हें मैंने निहत रूपे एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर ओके जदि किसी डाउट हो तो कमेंट बक्स लिखिपर मु नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करी ओके जदि आप आम चैनल को न्यू होता यथाशीघ्र आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे थे बेल आइकन को दबाई दिंतु ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मत क्लिक करूँ एवं फ्रेंड मानक शेयर भी करूँ ओके तो यार क्वेश्चन आंसर को मत परवर्ती क्रमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड मुदेवी जो थ्रु निजे चेक कर पार्टी।